देश में कोरोना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और ये जो सेकंड वेव है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों का हाल तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हाल के बारे में नहीं, हम वैक्सीनेशन के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और कुछ लोग तो डरे हुए हैं कि आखिर क्या फायदा है इस वैक्सीनेशन का। दरअसल बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीन, डरिए नहीं, जरूर लगवाइए। और जहां तक आपके मन में ये सवाल है कि कोरोना वैक्सीन के दो डोज लेने के बाद भी संक्रमण क्यों हो रहा है, क्यों लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं, ये जो वजह है क्या है, इस पर से आज हम पर्दा उठा रहे हैं। दरअसल कोरोना वैक्सीन के पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज लेना होता है। वैक्सीन शरीर में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन रहा होता है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। जब 28 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लेते हैं तो उस समय हमारी इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है। दूसरे डोज के 14 दिन बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी पूरी तरह बन जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी तेजी से बढ़ने लगती है। इस 1.5 महीने के दौरान इम्यूनिटी कम रहने के कारण कोरोना वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश करने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, उससे कोरोना का संक्रमण हो जाता है, जिसे इस 1.5 महीने के दौरान घर के बाहर निकलना बहुत रिस्की रहता है। वैक्सीन के दो डोज लेने के बाद भी आप कोरोना का शिकार बन सकते हैं। 1.5 महीने के बाद 100 से 200 गुना इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर में बन जाती है, उसके बाद आप सुरक्षित हैं। तो जाना आपने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना संक्रमित लोग ज्यादा निकलते हैं। डरिए नहीं, वैक्सीनेशन जरूर करवाइए और पहले डोज के 1.5 महीने तक ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहले डोज से 1.5 महीने तक सुरक्षित रहने की जरूरत है, इसीलिए सबसे पहले तो आप मास्क जरूर पहने, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, आकर गर्म पानी से स्नान करें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। इस समय का अफ्रीकन स्ट्रेन पूरे परिवार को एक साथ चपेट में लेता है, परिवार की खातिर सचेत रहें, सुरक्षित रहें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। शुरुआत में कहा गया कि वैक्सीनेशन बिना ट्रायल के शुरू कर दी गई है, खतरनाक है, फिर सरकार पर विरोधियों ने निशाना साधा कि वैक्सीन कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरिए मत, वैक्सीन जरूर करवाइए। खुद प्रधानमंत्री ने दोनों डोज लिए हैं। जब देश के प्रधानमंत्री डोज लेने के बाद बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो शायद ये संदेश भी हम सबको जाता है कि डरिए नहीं, वैक्सीनेशन करवाइए जरूर, डरे नहीं, लड़े कोरोना से।